हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास सिक्स के लिए आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे फूड चेन मींस भोजन की श्रृंखला। वी नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का, अनिश्चित ऊर्जा का स्रोत सूरज है या सूर्य है। एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएट बाई द सन। जानवर सूरज के द्वारा विकृत ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते। विकृत मतलब मींस जो फैलाता है, जो सूर्य ऊर्जा को क्या करता है, रेडिएट करता है, विकृत करता है। ठीक है, आप हमें कह सकते हैं देता है फॉर दियर एक्टिविटी, अपनी अपनी गतिविधि के लिए। ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, केवल हरे पौधे ही सोलर ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन बनाने में कर सकते हैं। बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि हरी पौधों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, दैट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी को फंसा लेता है या पकड़ लेता है। एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स। जानवरों को ऊर्जा हरे पौधों को खाने से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय डियर। ठीक है, जो कि क्या है, शाकाहारी, विच इज टर्न इजी रिटर्न बाई कार्निवस लाइक लाइन्स। ठीक है, हरी घास को या हरे पौधों को कौन खाएगी, डियर खाएगी जो कि शाकाहारी है, और डियर को लाइन खाएगा जो कि मांसाहारी है। ठीक है, ये देखो, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा मींस टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डे को मेढक खाएगा, फिर स्नेक खाएगा, स्नेक को खाएगा ईगल। तो ये क्या है, चेन है, फूड चेन है। ठीक है, दस ऑल एलिमेंट्स वेदर हर्बिस और कार्बियस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, अतः सभी शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है भोजन के लिए। दिस फीडिंग रिलेशन अमोंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। इस भोजन की प्रक्रिया को हम प्राणियों के बीच में फूड चेन कहते हैं। ठीक है, दस फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ, अतः हम फूड चेन को परिभाषित कर सकते हैं एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग बीइंग ईटन फॉर फूड। ठीक है, प्राणियों की वह श्रृंखला जो कि एक दूसरे के द्वारा जुड़ी होती है, कैसे जुड़ी होती है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड, भोजन के खाने के लिए और भोजन खाए जाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना फूड प्रॉब्लम। ठीक है, ये फिर से समझ लेते हैं। आ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय फॉर फूड। ठीक है, प्राणियों की वह श्रृंखला जो उन्हें आपस में भोजन के खाने के लिए और खाए गए भोजन को के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं, हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फूड प्रॉब्लम। मैनी पीपल्स, अगला पॉइंट है, मैनी पीपल्स इन अवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। हमारे देश में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। दिस इज बिकॉज, यह होता है क्योंकि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि भोजन की कमी के कारण। मैनी पीपल्स कैन नॉट बाई एनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी। कुछ लोग गरीबी कारण पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम, इसे हम फूड समस्या कहते हैं या फूड की कमी कहते हैं। द फूड प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री कैन बी सॉल्व बाई द फॉलोइंग वेज। वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाई यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमें फार्मिंग के नए मेथड द्वारा अधिक फसल को उगाना चाहिए। वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली सो दे आर नॉट ईटन बाई रैट्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स और स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें भोजन को अच्छी प्रकार से स्टोर करना चाहिए जिससे उन्हें चूहे कीड़े मकोड़े नहीं खा पाए। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे। हमें किसी भी तरह फूड को वेस्ट होने नहीं देना है। ठीक है, किसी भी तरह फूड को वेस्ट नहीं होने देना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आपको अगले लेक्चर से क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना।